गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. टुडे वी विल रीड इंग्लिश ग्रामर क्लास फोर्थ. ओपन योर बुक्स पेज नंबर 57. पंचुएशन. देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ पंचुएशन. पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ सिंबल इन राइटिंग. जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है और उन अलग अलग सिंबल्स को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है. इसे राइट यूजिंग मतलब सही जगह पे सही सिंबल का यूज करना. द मोस्ट कॉमन मार्क ऑफ द पंचुएशन आर. ये मोस्ट कॉमन मार्क है पंचुएशन के. सो देयर इज अ फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, कॉमा, कॉलन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन एंड इंटरवेटेड कॉमर्स, इन्वेंटेड कॉमर्स. फर्स्ट फुल स्टॉप. इट रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट पोज. इट कम्स एट द एंड ऑफ असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है. एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी लाइन को खत्म होने के बाद उसे एक पॉज देने के लिए. एग्जाम्पल, ही इज अ सिंगर. ही इज अ सिंगर, ये एक सेंटेंस है. ये उसे रिप्रेजेंट करता है, जो वो सिंगर है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ही इज अ सिंगर, सिंगर के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया. ऋषभ इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऋषभ को. ऋषभ मेरा बेस्ट फ्रेंड है. तो बेस्ट फ्रेंड के बाद सेंटेंस खत्म होने के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है. इट इज यूज आफ्टर एबर्वेशन एंड इनिशियल्स. ये यूज किया जाता है एब्रिविएशंस एंड इनिशियल्स. ठीक है, एग्जाम्पल, डॉक्टर. डॉक्टर को पूरा ना लिख के, डॉक्टर के स्पेलिंग को पूरा ना लिख के डी आर करके डॉट लगाया जाता है. इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डॉक्टर को. तो के जिसका नेम है उसको के शर्मा कहा है. डॉक्टर का नेम के शर्मा है. तो डॉक्टर का नेम पूरा ना लिख के लिखा गया है. मिस्टर, मिस्टर को हम पूरा स्पेलिंग ना लिख के एम आर डॉट. तो ये फुल स्टॉप जो है वो क्या कहलाता है? एब्रिविएशन एंड इनिशियल्स. ठीक है, बी ए, बैचलर ऑफ आर्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स का पूरा स्पेलिंग ना लिख के वी डॉट ए डॉट करके लिखा जाता है. इट इज यूज टू मार्क एट, इट इज यूज टू मार्क एट द एंड ऑफ असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस. असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस. तो व्हाट इज द असर्टिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस? कम हियर. कम हियर, जब हम किसी को कहते हैं कि कम हियर, तो उसके बाद में फुल स्टॉप लगाया गया है. शट द डोर, उसे हमने ऑर्डर दिया है. ये सारे कम हियर ऑर्डर दिया है. आई एम अ बॉय, ये इम्परेटिव सेंटेंस है. कॉमा, सेकेंड पॉइंट इज कॉमा. इट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पोज. ये कॉम, जिस तरीके से डॉट था, फुल स्टॉप था, ये एक लॉन्गेस्ट पोज था. तो ये कॉमा जो है वो एक शॉर्टेस्ट पोज है. मतलब अगर हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं और हर वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आता है, उसके लिए हम एक शॉर्टेस्ट पोज का यूज किया जाता है. वो शॉर्टेस्ट पोज कॉमा है. एंड इट यूज इन द फॉलोइंग वेज. इट यूज इन द फॉलोइंग वेज, अलग अलग वे के लिए यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, पूजा, सीमा, प्रिया एंड रिंकी आर गोइंग टू द मार्केट. तो पूजा, ये हमने जो चारों गर्ल्स का नेम लिए हैं, फोर गर्ल्स के नेम लिए हैं, उसमें ये जो फोर गर्ल्स के नेम लिए हैं, उसमें हमने हर गर्ल के बाद, हर गर्ल के नेम के बाद हमने कॉमा लगाया है. पूजा कॉमा, सीमा कॉमा, प्रिया एंड रिंकी आर गोइंग टू द मार्केट. सो लास्ट वन इज अ रिंकी. तो रिंकी से पहले हमने एंड का यूज किया है, बिकॉज रिंकी इज अ लास्ट वन एंड अमॉन्ग थ्री इज अ फर्स्ट. सेमी कॉलन, सो थर्ड पॉइंट इज अ सेमी कॉलन. दिस द सेमी कॉलन रिप्रेजेंट अ पॉज ग्रेटर देन अ कॉमा फॉर अ सेंटेंस इफ दे हैव कॉमाज. एग्जाम्पल, ही कम, वो आया, ही सॉ एंड ही कंक्लूड. ही कम, वो आया, ही देखता है, ही कंक्लूड. ठीक है, तो इसके बाद में हमने यहाँ पे ही कम, वो आया, ही सॉ, उसने देखा एंड ही कंक्लूड. ठीक है, कॉलन, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस. कॉलन इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस क्वोटेशन एंड बिफोर एन्यूमरेशन. सो एग्जाम्पल, महात्मा गांधी सेड
डू और डाई, महात्मा गांधी का स्लोगन जो था डू एंड डाई का, उसे हम हमने कॉलन में सेट किया है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का जो स्लोगन था उसमें हमने यहाँ क्या यूज किया है, कॉलन का यूज किया है, क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वी यूज क्वेश्चन मार्क व्हेन वी आस्किंग अ क्वेश्चन, जब हम कुछ पूछते हैं क्वेश्चन तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ये क्वेश्चन है तो इसमें हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, देयर इज एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस सॉरी इट इज यूज आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फ्रेजेस एंड इंटरजेक्शंस। एग्जाम्पल, वेल डन, वेल डन, ये वेल डन के बाद हमने यूज किया है एक्सक्लेमेशन मार्क, लुक आउट, उधर देखो, उसके बाद हमने यूज किया है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो देयर इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यूज अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर अ इंटरजेक्शन, हम इंटरजेक्शन के बाद में भी यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का। एग्जाम्पल, अलास ही इज सीरियस, तो ये जो अलास है वो दुख शोक का फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये जो अलास है वो इंटरजेक्शन है और इसके बाद हमने यूज किया है एक्सक्लेमेशन साइन। फिर हमने फिर सेकेंड एग्जाम्पल इज हेलो, हेलो इंटरजेक्शन एंड उसके बाद यूज किया है एक्सक्लेमेशन साइन। मे आई स्पीक टू राहुल, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ। सेवन पॉइंट इज एपोस्ट्रोफी, सेवन्थ पॉइंट इज एपोस्ट्रोफी, द एपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो द बिलोइंग एंड टू राइट वर्ड इन शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स में वर्ड्स को लिखने के लिए यूज किया जाता है एपोस्ट्रोफी का। एग्जाम्पल, दिस इज राहुल्स पेन, ये राहुल का पेन है, तो यहाँ पे राहुल का पेन है, दिस इज राहुल, राहुल्स पेन, तो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी का यूज किया है। आई कांट स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, कैन नॉट को हमने शॉर्ट में लिखा है गांट, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी कॉमा यूज किया है। इन्वेंटेड कॉमास, एट नंबर पॉइंट इन्वेंटेड कॉमास, वी यूज इन्वेंटेड कॉमास टू शो द एक्चुअल वर्ड ऑफ अ पर्सन, इन्वेंटेड कॉमास मे बी सिंगल और डबल, इन्वेंटेड कॉमास सिंगल भी हो सकते हैं डबल भी हो सकते हैं। राइट अ कॉमा बिफोर यूजिंग, राइट अ कॉमा, हमें कॉमा लगाना चाहिए बिफोर यूजिंग ऑफ इन्वेंटेड कॉमास। एग्जाम्पल, द टीचर सेज, टीचर कहते हैं, कॉमा लगाया यहाँ पे, देन उसके बाद हम यूज करेंगे इन्वेंटेड कॉमास का। द सन इज अ बॉल ऑफ फायर, सन इज अ बॉल ऑफ फायर, जो सन है वो आग का गोला है, तो इस चीज को इन्वेंटेड कॉमास में लगाया है और इन्वेंटेड कॉमास को यूज करने से जस्ट पहले हमने कॉमा का यूज किया है। ओके क्लास, सो कम टू द एक्सरसाइज, दिस ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नंबर फर्स्ट, पंचुएशन द फॉलोइंग, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड री राइट दैम इन द ब्लैंक गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ पंचुएशंस दिए हुए हैं, उसे जो ब्लैंक्स हैं उसमें राइट करना है। वॉट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे कौन सा पंचुएशन लगेगा हमें बताना है, वॉट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन लगेगा। लुक एट द मैस यू हैव मेड, लुक एट द मैस यू हैव मेड, तुमने यहाँ देखो यहाँ कितनी गंदगी फैला रखी है, तो यहाँ पे लुक के बाद में हमने क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिस इज अ सेंटेंस एंड आफ्टर दिस सेंटेंस हमने यूज किया है फुल स्टॉप का साइन। वॉट अ डिलीशियस केक, वॉट अ डिलीशियस केक, केक बहुत ही टेस्टी है, तो इसके बाद में हमने यूज किया है एक्सक्लेमेशन का साइन। How did you spend your holidays? ये क्वेश्चन है तो हम अपना हॉलीडे कैसे स्पेंड करने वाले हो, सो यहाँ हमने यूज किया है, क्वेश्चन है तो हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का साइन। इट वॉज अ ट्रेजिक एक्सीडेंट, तो यहाँ हमने यूज किया है एक्सक्लेमेशन का मार्क। हाउ गुड इट इज, ये कैसा है, ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो यहाँ हमने यूज किया है क्वेश्चन मार्क का साइन। ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आफ्टर दिस सेंटेंस हमने यूज किया है फुल स्टॉप का साइन। ही सेड ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, आफ्टर दिस लाइन हम यूज कर रहे हैं फुल स्टॉप का साइन एंड आफ्टर सेड हमने यूज किया है कॉमा का साइन। जहां हमने पढ़ा था इन्वर्टेड कॉमास के बाद
इन्वर्टेड कॉमास का यूज करने के लिए हम उससे जस्ट पहले हम कॉमा का यूज करेंगे. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखेंगे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर. यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाया है. सो देयर इज योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट. कीप लर्निंग, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे.